सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चहल। श्री करतारपुर साहब की यात्रा का मुद्दा एक बार फिर तो देश की संसद दे विच गूंजिया है। इस बार ये मुद्दा आम आदमी पार्टी के पंजाब तो राज्यसभा के मैंबर राघव चड्ढा दे वल्लों चुकिया गया है। दरअसल श्री करतारपुर साहब जाने वाले श्रद्धालुओं की गिणती काफ़ी घट गई है, जिसनों लैके केंद्र सरकार के अगे कुछ मंगा राघव चड्ढा दे वल्लों पार्लीमेंट दे विच रखियां गईयां ने। राघव चड्ढा का कहना है कि खास तौर पर तीन मुश्किलों का सामना उन लोगों को करना पै रहा है जिहड़े कि श्री करतारपुर साहब की यात्रा से जाना चाहुंदे ने। आखिर वो किहड़ियां तीन मुश्किलों ने? राघव चड्ढा के मूहों सब तो पहला तुहानू उन्हां दा बयान ही सुना दिंदे आ। तीन समस्याएं आज हर श्रद्धालु के, हर संगत के, हर सदस्य को झेलनी पड़ती हैं जब वो गुरु घर जाता है, श्री करतारपुर साहब जाता है मत्था टेकने। पहली समस्या है सर पासपोर्ट की। आपको पासपोर्ट होना आपके पास अनिवार्य है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप वो लांघा पार करके श्री करतारपुर साहब नहीं जा सकते, आपको इजाजत नहीं दी जाती है। मुझे लगता है कि अगर भारत सरकार पाकिस्तान की सरकार से बातचीत करे, ये मुद्दा उठाए, तो इस पासपोर्ट की जो कंडीशन है इसे वेव किया जाए। आधार कार्ड जैसे किसी भी आइडेंटिटी कार्ड को इसे वैलिड आईडी कार्ड बनाकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरी बड़ी समस्या यह है सर कि आज हर श्रद्धालु को $20 की फीस देनी पड़ती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये $20 की जो फीस है इसे वेव किया जाए और संगत के हर सदस्य को वहां जाने की अनुमति दी जाए। और आखिरी समस्या है सर, जो रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल है, कंबरसम है, उसे सरल किया जाए। राघव चड्ढा दे वल्लों संसद दे विच रखी गई इस मंग तो बाद हुण पंजाब दी सियासत भी भखदी दिखाई दिंदी है। पंजाब भाजपा दे आगू हरजीत सिंह गरेवाल कहिंदे ने कि जिहड़ा पासपोर्ट दा मुद्दा है वह अंतरराष्ट्री पद्धर दा मुद्दा है, वह पाकिस्तान दे नाल गलबात करके ही हल हो सकता है, पर जिहड़ी फीस दा मुद्दा है वह तां पंजाब सरकार भी हल कर सकती है। $20 दा भुगतान माण सरकार नूं करना चाहीदा है। राघव चड्ढा जी, पहली गल तो यह, पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, तुहाडी सरकार है, ते तुसीं ये आम आदमी पार्टी तो $20 की शर्त जिहड़ी आ वो $20 पंजाब सरकार देवे, उन्हां नूं देने चाहीदे आ। और बाकी जिहड़ा ये पासपोर्ट की शर्त आ वो डिप्लोमेटिक चैनल नाल गल होएगी, वो पाकिस्तान की तरफों वो देखते आ उत्थे, ते उन्हां नाल गल करके वो हो सकदा। उहदे लई तुसीं सरकार नूं रिक्वेस्ट करो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री नूं एज ए मैंबर पार्लीमेंट, उस पर भी चर्चा हो सकती है। पर सुरक्षा नाल जुड़िया मसला तो मैं समझदा कि गंभीर मुद्दा हैगा, तो जरूर ये सोच विचार करके लोगों नूं सुविधा तो मिलनी चाहिए जिहड़े दर्शन वास्ते जाते हैं। पर $20 की जिहड़ी आ ये भरपाई पंजाब सरकार करे, आम जनता ना करे, ताकि उहदे च सहयोग करे। तो बादल साहब की सरकार दे वेले तीर्थां दी यात्रा लई बसां भेजदे सी, उन्हां दा खर्चा दिंदे सी, सब हुंदा सी, ते अज आम आदमी पार्टी सरकार क्यों नहीं कर रही, इन्हां नूं भी करना चाहिए। आम आदमी पार्टी अते भाजपा तो इलावा गल जेकर श्रोमणी अकाली दल दी कीती जावे तां श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे चरणजीत सिंह बराड़ कहिंदे ने कि फीस तां हटनी चाहीदी है, क्योंकि किसे भी गुरु घर दे दर्शनां लई कदे भी फीस नहीं लगदी है, फीस भी हटाओ अते पासपोर्ट दी शर्त भी हटाई जानी चाहीदी है। करतारपुर साहब के दर्शन लिए जिहड़ियां संगतां घट जा रही है, थोड़ियां जा रही, जिथे फीस एक वजह हैगी है, मैं समझदा कि सब तो वड्डी वजह जिहड़ी हैगी आ उह पासपोर्ट की शर्त हैगी है। जे कल्ले पैसों की गल होवे तां जदों हजूर साहब के दर्शन करन जाना होवे, पटना साहब जाना होवे, साडे संगतां दीआं गड्डियां भरियां जांदियां, रेलां वेटिंग दे विच हुंदे आ, कल्ले पैसों की गल नहीं है। पैसे भी सरकार नूं माफ करने चाहीदे, कदे गुरधामां दे दर्शनां लई भी कदे कोई फीसां रखदा है। और दूसरी गल, अज तिकर एक भी शिकायत नहीं आई कोई बंदा भज के पाकिस्तान जाके वस गया होवे जां रह गया होवे। इह जिहड़ी पासपोर्ट की शर्त है यह तुरंत खत्म करनी चाहीदी है, क्योंकि असी पिछले दिनों च भी बैठे डिस्कस करते सी और इस गल का खदशा है कि लोग जा नहीं पा रहे क्योंकि पासपोर्ट की शर्त है। नौजवान पीढ़ी दे विच एक खदशा है कि शायद उहदे ते पाकिस्तान की मोहर लग गई, सानू कैनेडा अमेरिका दे विच जाण दी कोई दिक्कत आऊगी, भावें कोई इहो जी मोहर नहीं लगती, पर फिर भी भारत सरकार तो मंग है कि पासपोर्ट की शर्त खत्म होवे
और फीस भी जड़ी है सारे दी सारी खत्म हो गई। बिल्कुल यही गल आम लोगों के वालों भी आखी जाती है कि कई बार लोग कहते हैं साढ़े को पासपोर्ट ही है नहीं, इस करके असी श्री करतारपुर साहब विखे दर्शन करना नहीं जा सकते। अते कुछ लोग कहते हैं साढ़े को पासपोर्ट तो है पर उत्थे जिहड़ी मोहर लग जानी है पाकिस्तान की, उस दे नाल फिर साडा किसी होर मुल्क का वीज़ा नहीं लगना है जां फिर सानू मुश्किलों का सामना करना पै सकता है। इस करके हुण राघव चड्ढा दे वल्लों भी यह मंग पार्लीमेंट दे विच रखी गई है कि पासपोर्ट की शर्त नू हटाई देना चाहिए है। जदों श्री करतारपुर साहब का लांघा खुलिया सी, शर्तां सामने आईयां सन, उदों भी मंग उठी सी कि पासपोर्ट की शर्त हटा देनी चाहिए है, क्योंकि पंजाब दे विच बहुत सारे अजिहे लोग ने जिन्हां दे कोल पासपोर्ट नहीं, फिर वह तो दर्शन करन लई जा ही नहीं पाउणगे, आधार कार्ड ते ही यह यात्रा करवानी चाहिए है। सरकार दे वल्लों उदों यह दलील दी गई सी कि जिहड़ा पासपोर्ट है अंतरराष्ट्रीय पछाण पत्र हुंदा है, अते ये दो देशों का मसला है, भारतीयों ने पाकिस्तान दे विच एंट्री करनी हुंदी है, इस करके अंतरराष्ट्रीय पछाण पत्र पासपोर्ट ही चाहिए है। आधार कार्ड भारत दे विच चलन वाला पछाण पत्र है। उदों सरकार दे वल्लों यह दलील दी गई सी, $20 की फीस नूं लैके भी मुद्दा उठिया सी। उस वेले दी कैप्टन सरकार ने कहा सी कि असीं ये फीस अपने कोलों भर सकते हैं, पर उस तो बाद यह उन्हां दी गल जमीनी पद्धर ते लागू नहीं हुई सी। अते हुण वेखना होवेगा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार दे वल्लों $20 की फीस अपने वल्लों भरी जाती है जां फिर नहीं, क्योंकि पंजाब भाजपा दे आगू हरजीत सिंह गरेवाल ने तो यही मंग रखी है कि मान सरकार नूं ये फीस भरनी चाहिए है। यही सवाल असीं तुहाडे कोल भी पुछ लेना चाहते हैं कि तुहानू की लगता है श्री करतारपुर साहब के दर्शनों लई जिहड़ी $20 प्रति व्यक्ति प्रति श्रद्धालु फीस लगती है, कि तुहानू लगता है कि वह फीस पंजाब सरकार नूं भरनी चाहिए है जां फिर नहीं। जो भी तुहानू लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। जेकर इसे तरह ही हर खबर नूं निरपक्षता नाल वेखदे रहना चाहुंदे हो तां यूट्यूब ते द पंजाब टीवी दे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, फेसबुक ते पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजर होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर का सच।